हाँ नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 के लिए हम आज पादप वर्गीकरण लेकर के प्रस्तुत हैं। ऑनलाइन क्लास में अच्छी तरह से ध्यान दीजिए और पढ़ लीजिए तो अच्छा रहेगा। हिंदी मीडियम जंतु जगत वर्गीकरण हमने आपको पढ़ाया है, जिसमें दो बताया, एक तो कार्डेटा, दूसरा नॉन कार्डेटा, कार्ड नॉन कार्डेटा और कार्डेटा। ऐसे ही पादप जगत में, पादप जगत को अगर हम वैज्ञानिक देखें तो कैरोलस लिनियस है पादप जगत के वर्गीकरण में, बेंथम और हुकर हैं पादप जगत के वर्गीकरण में, हचिंसन का है, एंगलर और प्रिंटर है। तो लेकिन हम सामान्य पादप जगत का वर्गीकरण देखते हैं। सर्वप्रथम प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटा गया। एक तो वे जिनमें फूल नहीं पाया जाता है, इसे हम अपुष्पी पादप कहते हैं। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, और गैमिट्स का मतलब होता है जो जो युग्मक होते हैं, यानी उनके युग्मक पत्तियों में धसे हुए पाए जाते हैं, अर्थात छुपे रहते हैं, अर्थात उनमें फूल नहीं पाया जाता। दूसरा फिनरोगैंस, फिनरो का मतलब होता है विजिबल, यानी उनमें फूल पाया जाता है, तो फिनरोगैम्स, तो अर्थात फिनरो का मतलब विजिबल, दिखाई देना, और गैम्स का मतलब गैमेट्स, अर्थात इसमें नर और मादा गैमेट्स दिखाई देते हैं। तो दो भाग हो गए, एक तो अपुष्पी यानी फूल जिसमें नहीं पाया जाता, दूसरा पुष्पी जिसमें फूल पाया जाता है। अपुष्पी पादपों को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो थैलोफाइटा, थैलस एक ऐसा शब्द है विज्ञान में, जिनमें कि जिन जो पौधे जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होते हैं, जैसे शैवाल, ये थैलोफाइटा का है। आप देखे होंगे अपने अगल बगल या जहां पर पानी है, नल है, तमाम ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, हरी चीजें दिखाई देती हैं जो लगती नहीं है कि वो पौधे हैं, लेकिन वो पौधे हैं और उनमें जड़ तना पत्तियां नहीं दिखाई दे, विभेदित नहीं होते हैं। तो ऐसे पौधों को हम थैलोफाइटा कहते हैं। इनमें जो विन्यास होता है, शारीरिक रचना होती है, काफी सरल होती है। फर्टिलाइजेशन, जनन जो है एसेक्सुअल, यानी कि और सेक्सुअल, अलिंगी और लिंगी दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। ब्रायोफाइटा, ये जलीय पौधे होते हैं। ब्रायोफाइटा, ब्रायान मीन्स बॉथ या एम्फीबियंस, फाइटा मीन्स प्लांट, ऐसे पौधे जो थोड़ा सा थैलोफाइटा से डेवलप हैं, ऐसे पौधे जो कि जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। लेकिन क्या है कि इनमें भी पूर्ण रूप से जड़ तना पत्ती पूर्ण रूप से इसमें विभेदित नहीं होता, थोड़ा सा इससे विकसित है। अंतर क्या है कि इनमें इम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है, जबकि ब्रायोफाइटा में इम्ब्रियो का निर्माण होता है। ये इसमें रिक्सिया, जो है फ्यूनेरिया, ये पौधे ब्रायोफाइटा में आते हैं, यानी कि इसमें वैस्कुलर बंडल या जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडो का मीन्स होता हार्स शेप्ड, हार्स सू शेप्ड, यानी उनके जो पत्तियां या पौधे होते हैं वो घोड़े के नाल के आकार के होते हैं, ऐसे पौधों को हम टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। इन्हें के पौधों में स्टीलर सिस्टम
अर्थात संवहन तंत्र जाइलम और फ्लोएम का विकास होता है। ये पौधे स्पोरोफिटिक या द्विगुणित होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स पाया जाता है, लेकिन जो गैमेट्स होते हैं वो पत्तियों में धसे हुए होते हैं। इन सभी के गैमेट्स पत्तियों में धसे हुए होते हैं। तो इस तरह से अपुष्पी पादपों में तीन भाग हैं, एक तो थैलोफाइटा जिनमें कि जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती, अर्थात जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होते हैं, जैसे शैवाल, शैवाल में भी तमाम हैं, क्लेमाइडोमोना, अस्वालवाक्स जो है, कारा पॉलीसाइफोन, ये तमाम हैं। ब्रायोफाइटा में भी रिक्सिया मार्किंसिया पेलिया पोगन, अर्थात इनमें भी जो है वैस्कुलर सिस्टम संवहन तंत्र नहीं पाया जाता, इनमें भी संवहन तंत्र नहीं पाया। अंतर केवल इतना है कि ये इम्ब्रियोफाइट, इसमें इम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता, इसमें इम्ब्रियो का निर्माण होता। टेडोफाइटा हमने बताया, इनमें इम्ब्रियो का निर्माण भी होता है, द्विगुणित होते हैं, इनमें वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। अब हम आते हैं पुष्पी पादपों में। पुष्पी पादप मुख्य रूप से दो भाग बताए गए, एक तो अनावृत बीजी जिसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और अस्पर्म का अर्थ होता है सीड, अर्थात ऐसे पौधे जिनके सीड यानी बीज पर कोट, सीड कोट नहीं पाया जाता, यानी कवरिंग नहीं पाई जाती, ऐसे पौधों को हम अनावृत बीजी कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जैसे साइकस है, पाइनस है, इफिड्रा है। इनमें पूर्ण रूप से वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। अब अगला है जिसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, जिसे आवृत बीजी कहते हैं। जितने भी पौधे आप अगल बगल आप देख रहे हैं वो सभी पौधे एंजियोस्पर्म के हैं, और एंजियोस्पर्म अर्थात आवृत बीजी पौधे दो प्रकार के, एक तो एक बीज पत्री, दूसरे द्विबीजपत्री। ये पूर्ण विकसित पौधे होते हैं, एक बीज पत्री द्विबीज पत्री पौधे। एक बीज पत्री पौधों में तोड़ने पर, फलक को तोड़ने पर केवल एक सीड फलक दिखाई देता है, जैसे गेहूं है, चावल है, जबकि द्विबीजपत्री यानी कि उसको तोड़ने पर जो दो बीज पत्र डाइकोटिलीडन दिखाई देते हैं, तो ऐसे पौधों को हम द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से वर्गीकरण और उनका जो करेक्टर है वो आपको बताया गया। और धीरे धीरे पढ़िए। धन्यवाद।